नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए लौंगी भुइया बना रहे हैं डैम। बिहार में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वहीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए अब लौंगी भुइया युवाओं की मदद के लिए सामने आए हैं, जिसके तहत उन्होंने अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए डैम बनाने का काम शुरू किया है। केनाल मैन लौंगी भुइया ने जंगल से निकलने वाले सभी जल स्रोत को जगह जगह पर बांधकर छोटा छोटा डैम बनाकर पानी को संचय करने का काम किया है, जिससे गांव में गर्मी के मौसम में जल स्तर बढ़ेगा और उस डैम में जब सालों भर पानी भरा रहेगा, गांव के युवक उसमें मछली पालन कर रोजगार करेंगे। युवाओं को मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर जाने का झंझट दूर हो जाएगा, जिसके बाद अब दूसरे शहरों में जाकर कमा कर खाने वाले युवाओं को बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। पटना समेत कई जिलों में कर्मचारियों की संख्या की गई आधी। कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गई है, जिसके तहत कोरोना के बढ़ते माहौल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने पटना समेत राज्य के कई और जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% यानी आधे कर्मचारियों को ही कार्यालय आने देने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके साथ ही कई और पाबंदियां भी लगा दी है। वहीं कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए दिशा निर्देश की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने इस बाबत यह तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना प्रभावितों की दर 10% से ज्यादा है, ये पाबंदियां वहां है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। मृदुला सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1942 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। मृदुला सिन्हा एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। वहीं उनके पति का जुड़ाव भी राजनीति से था। मृदुला सिन्हा भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी थी, हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लालू यादव की जमानत याचिका टली, राजद की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां आज लालू प्रसाद यादव यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें जमानत मिल जाएगी, वहीं उन्हें आज निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिलने वाली जमानत याचिका की सुनवाई टाल दी है, जिसके बाद अब यह सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार लालू की तरफ से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वहीं इस मामले की सुनवाई अपरेश सिंह ही अदालत में हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में बताया था। याचिका में बताया गया था कि वो करीब 15 बीमारी से ग्रसित है। उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसीलिए उनको जमानत दे दी जाए। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। हालांकि आज भी सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा माले के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इसी बीच कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में उतर पड़े। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौटे। भौतिक के सवालों ने छात्रों को किया परेशान। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से गुरुवार को पॉलिटेक्निक, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का प्रश्न मिला जुला रहा। वहीं हर बार की तरह छात्रों को भौतिक के प्रश्न कठिन लगे, हालांकि बाकी प्रश्नों में कोई परेशानी नहीं हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना में 43 सेंटर बनाए गए थे। कोरोना की वजह से सभी परीक्षार्थियों को थर्मल जांच करवाई गई, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में अंदर प्रवेश करवाया गया था। बांग्लादेश से आए रोहिंग्यों को बिहार में लिया गया हिरासत में। बांग्लादेश से भागकर आए रोहिंग्या को आज राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये रोहिंग्या 14 लोगों की तादाद में थे, जिन्हें बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलीपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी ने तुरंत इसकी जानकारी कटिहार मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को दी। न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन के पहुंचते ही आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी और कर्मचारी जांच के लिए गए। बदरपुर से सवार हुए 14 यात्री के पास भारतीय नागरिक होने का कोई भी वैध दस्तावेज और पहचान पत्र नहीं था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरों को शामिल करने की उठी मांग। बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बना ली है। हालांकि इस नई कैबिनेट में किसी भी अल्पसंख्यक चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। अब नीतीश मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरों को शामिल करने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने बिहार के मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री
बनने पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हैं। शादी समारोह में लापरवाही होने पर सील होगा समारोह स्थल। शादी समारोह में अगर 100 से अधिक लोग शामिल हुए तो संबंधित बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल को जिला प्रशासन सील कर देगा। इसके साथ ही जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही अगर वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर बैंड बाजा बजाया गया तो बारात निकाला गया तो संबंधित वर पक्ष पर भी सख्ती दिखाई जाएगी, साथ ही कार्रवाई की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत 4 हस्तियों की कोर्ट में लगी हाजिरी। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए महीनों बीत गए हैं, हालांकि अभी भी कुछ लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत 4 हस्तियों के नाम शामिल है, जिसके बाद इन हस्तियों की कोर्ट में हाजिरी लगी है। इसके तहत संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और साजिद नाडियावाल के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए। भंसाली की तरफ से अधिवक्ता सरोज कुमार और शेष तीनों फिल्मकारों की तरफ से प्रिय रंजन उर्फ अन्नू कोर्ट में उपस्थित हुए। भंसाली की तरफ से पहली बार हालांकि कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होने वाली है। उनकी अनुपस्थिति को लेकर फिल्मकारों को नोटिस जारी कर दिया गया था। राजकुमार राव और पत्रलेखा की तस्वीर पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाई प्रियंका। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसी क्रम में प्रियंका एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। हाल ही में राजकुमार राव ने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा की तस्वीर शेयर की थी, जिस पर कमेंट करने से प्रियंका भी खुद को नहीं रोक पाई। आपकी जानकारी के लिए आपको हाल ही में राजकुमार राव ने अपनी तस्वीर शेयर की है, जिस पर प्रियंका ने कमेंट करते हुए लिखा क्यूटी। इसके साथ ही उन्होंने एक हार्ट इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने लिखा सो क्यूट। राजकुमार राव ने पत्र लिखा के साथ इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा स्वीट नथिंग। 34 साल के हुए सुरेश रैना, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। रैना ने भारत को 2011 विश्व कप में जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी आज भी हर किसी को याद है। सुरेश रैना ने हमेशा धोनी के काफी करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने धोनी के साथ ही अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास का भी ऐलान कर दिया था। रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनको मिस्टर आईपीएल नाम का टैग भी दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला उन्होंने खेला था। बिहार में अमिताभ बच्चन समेत 7 पर परिवाद हुआ दर्ज। बिहार में महानायक अमिताभ बच्चन समेत 7 पर मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, एक टीवी क्विज शो के निर्देशक अरुणेश कुमार, राहुल वर्मा, टीवी चैनल के अध्यक्ष मनजीत सिंह, सीईओ एनपी सिंह और प्रतिभागी बेजवाड़ा विल्सन समेत 7 को नामजद किया गया है। परिवाद पर अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। दरअसल 30 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने यह सवाल पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की पर्चियां जलाई थी। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें विष्णु पुराण, भगवद गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति दिया गया था। में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 93 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 43,082 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 93,09,787 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 492 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 35,715 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 87,18,517 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,55,555 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कृषि बिल को वापस लेना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।